ये है बिजनेसमैन का ऑफिस। बस तो कुछ खा लेते हैं, काफी देर हो गई काम करते हुए। भैया 10 रुपए लड्डू। ये लो भैया, 10 रुपए के इसको भी ले लो। पैसे ये लो भैया, आपके पैसे। हमने पैसे तो लिए नहीं थे। अरे भूलिया था यार। चलो कोई बात नहीं, हम अभी बाद में आपको। क्या कर रहे हो? मेरे लड्डू देंगे? मैं भैया आपने मेरा लड्डू खाया है? मैंने आपका लड्डू नहीं खाया, आपने मेरा लड्डू खाया भैया। ऐसी हरकतें क्या कर रहे हो आप? लेना हो तो मुझसे ले लेते आप। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बदतमीज? मेरा सारा टाइम वेस्ट करो, खराब कर दिया। चलो घर पे चले जाते हैं। अरे मेरा लड्डू कहीं यहीं पे पड़ा है। मैंने किसका लड्डू? ओ शिट, मैंने उसका लड्डू खा लिया। मेरा लड्डू यहीं पे पड़ा है और मैंने उसको इतना बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। कहाँ पे हो? आपने बहुत बुरी मुझसे भूल हो गई है। आपने मैंने आपके लड्डू खा लिए और आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने आपको इतना उल्टा पुलटा बोला। कोई बात नहीं भैया, इसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, माफ कर दिया। और जैसे कि मैंने आपसे बुरा भला कहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और प्लीज़ मुझे सॉरी आपसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने सब कुछ देखा है, तुमने बहुत बढ़िया किया। पर यार तू इतना जवान हट्टा करता होके तू काम क्यों नहीं करता? आज के लिए इतने छोटे छोटे बच्चे मेहनत करके पैसा करते हैं, फिर रात को पढ़ाई करते हैं, तू क्यों नहीं करता? भाई तू मेरे ऑफिस में आ जाना, कल से मैं तेरे को काम पे लगा देता हूँ। शुक्रिया भैया, कल से काम पर आ जाना और ध्यान से लगन लगा के काम करना। और यार मैं बात बताना चाहता हूँ, अब से हम एक पूरी मिलके टीम बना के जात वात को लेकर अपने सब कुछ तबाह कर देंगे और सब कुछ हिंदू मुस्लिम सब एक होंगे। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार जातवाद को लेकर यार मत किया करो यार ऐसा, क्योंकि यार अब आपने देखा इनकी कितनी बढ़िया लॉयल्टी थी और यार इन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे ही यार कई ईमानदार होते हैं, वो कुछ नहीं करते, अपने उस पर ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। तो यार ऐसा मत किया करो जात पात को लेकर। तो बस यही थी आज की अपनी वीडियो, मेरा किसको ऊंचा नीचा दिखाने का मतलब नहीं था हम सब का। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने इस वीडियो से यही मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें दिन दुर्बलों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इनके लिए हमें और से ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनके डोनेशन करनी चाहिए ताकि ये अपनी गरीबी से थोड़ा राहत पा सके। और जैसे कि आपने हम इस वीडियो में दिखाया है कि हमने दिन दुर्बलों को थोड़ा नुकसान पहुँचाया है, हमारा यह कभी मोटिव नहीं था, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमें दिन दुर्बलों को अपमान नहीं करना चाहिए। और गाइज आप ज़्यादा पैसा मत दिया करो उनको, क्योंकि यार वो सोचते हैं कि हमें पैसे देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। तो यार उनको ज़्यादा भी मत दिया करो उनको को, यार आप काम करो, खुद को मेहनत करो और ज़्यादा मत दीजिए। बाकी आप तुषार भाई ने बता ही दिया। और आपकी इतनी सी उम्र है उसमें आप भीख मांगते हो, ये और कई बच्चे होते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ने की उम्र उनकी, वो पढ़ाई करें। तो ये हमारा मोटिव था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो टिल देन बाय।